हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राउंड नंबर 3 एंड ऑल द अदर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। अब यहां पर दोस्तों एक कॉमन सा सवाल यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर यहां पर मान लीजिए कि राउंड नंबर 3 में क्या लिखा है। राउंड नंबर 3 में क्लियरली लिखा गया है कि वो किसके लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, ग्रांटेड कॉलेज के लिए है और इसके अलावा यहाँ पर DAICT के लिए, तो बाकी सारी कॉलेजेस का क्या। तो इसका मैं आंसर करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट, ग्रांटेड और DAICT के अलावा कोई भी कॉलेज है, चाहे वो निर्मा हो गई, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, PDEU हो गई, VGEC हो गई, नहीं VGEC तो गवर्नमेंट में आती, ठीक है, यानी कि कोई भी दूसरी कॉलेज ले लीजिए गवर्नमेंट, ग्रांटेड और DAICT के अलावा, तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी राउंड नंबर 3 नहीं होने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर कोई भी राउंड नंबर 3 नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट्स को DAICT के अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो उसको यहाँ पर डायरेक्टली कॉलेज का कॉन्टेक्ट करना होगा, उसको यहाँ पर राउंड नंबर 3 में पार्ट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली कॉलेज को यहाँ पर कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। सो ये मैं अपडेट ये देना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर DAICT के अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको यहाँ पर डायरेक्टली कॉलेज में अप्लाई करना होगा, जो JP कॉलेज में जाना हो उसमें। सपोज निर्मा यूनिवर्सिटी में जाना हो तो वहां पर कॉन्टेक्ट करना होगा, सपोज PDU में जाना है तो वहां पर कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ DAICT आपको यहाँ पर GTU मतलब ACPC की प्रोसेस ही फॉलो करनी रहेगी। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।